भाई गुलगुले, अब हमें बताओ अपना काम का बात। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। कोई बात नहीं, हम भी मजाक कर लेंगे। चलो स्माइल करो, करो। क्यों भे? तेरा इतना हिम्मत? हमारी बहनों का रास्ता रोकता है और फिर हमें दांत दिखाता है। दीदी, टाइम पर डिलीवरी कैसे करेंगे? देखो नजमा, हम जानते हैं कि ये काम मुश्किल है, लेकिन हर मुश्किल के पीछे एक मौका छिपा होता है, और ये हमारा मौका है बड़े ऑर्डर का। बड़ा ऑर्डर आएगा तो हम सबका काम चलेगा, और अब तो हम अपनी जुबान भी दे चुके हैं। दीदी, आपकी जुबान पर तो हम सबकी जान हाजिर है। हम सब लोग दिन रात मेहनत करेंगे और आपकी जुबान को खाली नहीं जाने देंगे। हम ये ऑर्डर पूरा करेंगे। तो बोलो बाबा गरीबनाथ की जय। चलो जल्दी जल्दी शुरू करो। थैंक यू, धन्यवाद। क्या बात होगी विमला, ऐसे काहे बोल रही हो? काहे कह रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता है? मार मार के क्या हालत कर दी है हमरे बेटे को। अरे ऐसे कोई अपना दुश्मन को भी नहीं मारता है। अम्मा आपकी पोती लोरे जिला ऊपर हो गई है। ये सब काहे? हे भगवान, तुम सबके सब पगला गई हो का? घर से बाहर निकल के ऐसे कारनामे करती हो, लोगों का जान लोगी। अम्मा जी, जरा इन लोगों की बात भी सुन लीजिए ना। बुलबुलिया, का वजह थी बताओ? हमें का बुलबुलिया बताएगी? अरे का दिख नहीं रहा, एक का हालत बना दी है। हद हो गई। अरे तेरी बेटिया लफुआ है, लफुआ रास्ते चलते हुए मार काट करती है, और ये बुलबुलिया ये तो सबसे ऊपर है। अरे तेरी ताकत अगर इतना ही जोर मार रही थी तो लड़का बनके पैदा हो गई होती महारानी। हम तो सोचे थे कि इनकी वजह से घर के दुख कम होंगे, पर नहीं, हमारी तो इन्होंने नाक ही कटा दी। दादी, हम नाक कटाए नहीं है, बचाए हैं। ये गुलुआ जिस तरह की हरकत की है ना, उस हिसाब से मारते तो ये तिल्ली जैसी टांगे है ना, उस पर चल के यहाँ भी नहीं आ पाता। अरे बाप रे बाप, ये लड़की का जात होकर गुंडा बदमाश का भाषा में कह रही है।